सुप्रभात बच्चों, फिर से मैं शशिकांत तिवारी आपकी ऑनलाइन कक्षा को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों, आज हमने सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन, ये जो आंकड़ों का प्रबंधन है ये सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी के नाम से आपका चैप्टर नहीं है, आपका चैप्टर जो है वो आंकड़ों का प्रबंधन डेटा हैंडलिंग है। इसके अंतर्गत हम आते हैं सबसे पहले अंकगणितीय माध्य, या इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं अरिथमेटिक। हम इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है। तो देखिए बच्चे, यह औसत के रूप में भी जाना जाता है। औसत का मतलब है कि सबको इकट्ठा करके उसका जो मेन वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम दिए गए आंकड़ों का योग करके जितने आंकड़े हैं सबको जोड़ लेते हैं, और उन आंकड़ों की कितनी संख्या है उस संख्या से भाग दे देते हैं, और भाग देने के पश्चात जो चीज संख्या प्राप्त होती है उसी को हम औसत या अंगणितीय माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया अभाज्य संख्याओं का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ मैंने 2 के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन इसलिए कर दिया है जिससे आप जान सकें कि एकमात्र अभाज्य संख्या सम संख्या है वो है 2। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि अभाज्य सम संख्या बताइए तो एकमात्र अभाज्य सम संख्या है वो है 2, दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका औसत या माध्य लिया गया तो पूरे को जोड़ दिया गया, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर्स थे, यानी 5 संख्या की, तो हमने यहाँ 5 से भाग दे दिया। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य निकालना, माध्य निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं ऊपर तो अंश में हम पूरा जोड़ लेते हैं, हर में 5 यानी जितनी संख्याएं हैं उन्हीं उसी से भाग दे देते हैं। ये हुआ 28 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे 5.6 आ जाएगा। इसी को बच्चों, ये जो नंबर आया है ये केवल इसमें नहीं, अभी आगे और हम देखेंगे कुछ चीज़ें लेंगे, बताता चलूंगा मैं, तो इसको प्रतिनिधि या केंद्रीय मान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है केंद्रीय मान, क्योंकि इसी मान के अगल बगल सारे मान जितने यहाँ दिए गए हैं, ये 2, 3, 5, 7 और 11, इसी मान के आगे पीछे पूरे व्यवस्थित होते हैं, ये बीच का मान होता है, इसीलिए इसको केंद्रीय मान या फिर प्रतिनिधि नंबर कहा जाता है, प्रतिनिधि कहा जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और, हाँ, यहाँ पर माध्य के बारे में जान लो। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण का मतलब की संख्या जो आपने संख्या ली है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितनी संख्या दी गई उसको लेते हैं। ठीक, यहाँ एक चीज और आया है प्रसार या परिसर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेंज। प्रसार या परिसर क्या होता है, यहाँ पर जितने आंकड़े ये देर को ये लिए हैं ना, तो इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसमें सबसे छोटे आंकड़े को घटा दिया जाता है, घटाने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम प्रसार या परिसर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में सबसे बड़ा अंक 11 तथा सबसे छोटा अंक 2 है, अब इसको हम इसका अंतर ले लेते हैं, यानी घटा देते हैं, 11 से 2 गया 9 आया, ये इसको कहा जाता है प्रसार या परिसर। अब बच्चों, इसी के अंतर्गत देखिए, ये जो केंद्रीय मान है इसे सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। इसमें एक तो हो गया अंगणितीय माध्य, दूसरा यहाँ ले रहे हैं बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, एकदम सिंपल सा है बहुलक, दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारंबारता है, ये चीज आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, बारंबारता मतलब जो संख्या बार बार आती है उसी को हम कहते हैं बारंबारता, अंग्रेजी में इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है, बहुलक। अब ऐसे आप जान लो, हिंदी का अंग्रेजी दो चीज हमने मिला दिया, बहु माने बहुत ज्यादा, लक माने लकी कह लो। अब जबकि ऐसा है नहीं, है तो हिंदी का शब्द है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, तो बहुत लकी, बहुत लकी मतलब जो बार बार आ रहा है बहुत लकी है, उसी को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमने लिया है जैसे 10, 12, 15, 11, 14, 10, 13, 10, 15, 11, 10 में 10 सर्वाधिक बार, मतलब सब देखोगे तो सबसे ज्यादा बार 10 आया, यानी 4 बार आया है, इसलिए यहाँ पर ये जो आपकी संख्या 10 आई इसी को बहुलक कहा गया, यही बहुलक है, इसे मोड अंग्रेजी में कहा जाता है, ये बहुलक हुआ। ठीक है, इसी ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत, ये जो 10 है ये भी प्रतिनिधिमान होगा या फिर केंद्रीय मान होगा, ये भी 10। ठीक है, अब आगे हम ये कहो देते हैं इसमें जो ये है लास्ट इसका, ये है माध्यक। माध्यक को अंग्रेजी में मीडियम कहा जाता है, इसे हम माध्यक मीडियन उस आंकड़े को कहते हैं जो वास्तव में बिल्कुल मध्य या बीच का हो। अब ये कैसे, इसके अंतर्गत आंकड़े
अव्यवस्थित होते हैं तो पहले उन्हें आरोही या आरोही मतलब असेंडिंग और वही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखते हैं, रखने के बाद तब उसमें जो बीच वाला होता है वही क्या कहलाता है माटर। लेकिन उसमें भी दो चीजें उसको ध्यान देना है, आगे हम देखते हैं। इसे क्या कहा गया, किसी डिसेंडिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, लिख कर माध्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि आंकड़े सम संख्या में दिए गए हो या विषम संख्या में दिए गए हो, ये ऐसी चीज स्थिति हो सकती है। यदि आंकड़े सम संख्या में दिए गए हैं तब ठीक मध्य में दो अंकों का योग करके उसे दो से भाग दिया जाता है। दो मतलब कुछ संख्या बीच के दो ले लीजिए, उसके दाहिने तरफ जो संख्या होगी उतनी संख्या बराबर होनी चाहिए, बाएं तरफ की भी संख्या उतनी बराबर होनी चाहिए, बीच की दो संख्या आप ले लेंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ के दो से भाग दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया है 2, 1, 3, 5, 6, 4 को आरोही क्रम में ले, आरोही आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और वही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो और वही क्रम में लिख लीजिए। और अभी क्रम में लिखने में ये आया ऐसे 1, 2, 3, 4, अब 3, 4 के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसलिए कर दिया यही जो संख्या है सम संख्या में ये दोनों संख्या बीच में आएगी। इधर से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4 ये तीसरे नंबर पर, 1, 2, 3 इधर से भी तीसरे नंबर पर आएगी, यानी इन दोनों को हमें लेना है। ठीक है, अब इन दोनों के बाद इधर देखिए दाहिने तरफ दो संख्या बच गई, बाएं तरफ भी दो संख्या बच गई, इसलिए ये जब सब संख्या रहेगी तो दो संख्याओं को लिया जाएगा। माध्यक निकालने के लिए यानी मीडियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 3 + 4 / 2 किया गया, दैट इज 7/2, इसको डिवाइड किया 3.5। अब फिर से आपको बता दें यही 3.5 के दोनों तरफ ये सारी संख्याएं स्थित होगी। ठीक है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि या केंद्रीय मान कहा जाता है। अब आगे और लेते हैं, अगर इसी प्रकार यदि आंकड़े विषम संख्या में हो तो एकदम बहुत आसान है, विषम संख्या में है तो बीच वाली ही संख्या जो होती है वो माध्यक होती है, जैसे 10, 12, 13, 15, 17, तो 1, 2, 3, 4, 5 आया। अब यहाँ 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, बीच वाला 13 हो गया, यही माध्यक हो गया। इसमें कोई विशेष ऐसी चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा माध्यक यानी मीडियन, यहाँ पर क्या हुआ 13, इन संख्याओं के लिए होगा, किसी और संख्या के लिए नहीं। जैसे जैसे संख्या लोगे जो बीचों बीच वाली संख्या होगी, जो संख्याओं का क्रम जो होगा वो विषम होगा, तब ये बीच वाली संख्या ही माध्यक कराएगी। लेकिन बिना क्रम में रखे आरोही या आरोही, डिसेंडिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे आप इस चीज को नहीं होगी। तो बच्चों इस चीज को विशेष ध्यान देना। अब ये पूरा का पूरा जो चीज कह रहा था वो सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संख्या हम प्राप्त करते हैं उसी के अगल बगल सारी संख्याएं स्थित होती है, इसलिए इसे कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। तो बच्चों इस पर आधारित आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, इस पर कीजिएगा, जो चीजें नहीं आती फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। Thank you.